जय हिंद, स्वागत है आपका कृष्णा द बेस्ट वीडियो में। बहुत लोगों के दो चार दिन से कमेंट आ रहे थे कि आप जो हमारे घर पे 12 या 14 की चक्की वाली दुकान पे, उसमें आटा बारीक नहीं आता है, उसके लिए आज का वीडियो अपना रहेगा। अपने पास जो 14 की चक्की है चैलेंज की, उसमें मैं आज आपको नए पत्थर डाल के दिखाऊँगा। और कोई भाई अपने नया आता है जो वीडियो देखता है, उसके बाद में कमेंट करता है कि आपकी आटा चक्की के पास में क्या रखा हुआ है। वो भाई डस्ट क्लीनर है जो अपनी दुकान में आटा उड़ता नहीं है। ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, वो जाके आप दे सकते हैं। जाम वाला अपना पत्थर होता है, उसके तीनों नट अपन लगा देंगे। और नट लगाते टाइम अपने को ध्यान रखने का है कि अपने नट कम्प्लीटली टाइट होने चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा प्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, तो बहुत बार क्या पत्थर हिल जाता है थोड़ा, फिर उसकी सेटिंग नहीं आती है। मान लो थोड़ा नट ढीला हो गया अपना, तो फिर वापस उसकी सेटिंग नहीं आती है। बहुत बार क्या फिर आटा मोटा होने लग जाता है ऐसा, बहुत बार फिर रेती पीसने की नौबत आ जाती है। अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, केवल इसको फिटिंग कर दिया, इसको कुछ टंकाई कंकाई कुछ नहीं किया। अपन पहले टंकाई कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, छेड़छाड़ नहीं करने के, एक बार फिटिंग कर ले कम्प्लीट और चारों तरफ से देख लें। अभी घूमने वाले पत्थर की मैंने शाफ्टिंग टाइट नहीं की है, उसको केवल ऐसे ही लगा दिया है अंदर। अपन एक बार इस अंदर लगा के और लास्ट वाले पेंडल में लगा के देख लेते हैं कितनी ज़्यादा बाहर रह रही, कितनी अंदर रह रही, उस हिसाब से भी टाइट करता। पहले एक बार वो लोग क्या करते हैं, पहले बाहर टाइट करते, फिर इसमें क्या मान लो लास्ट वाला पेंडल में आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, मैं क्या नाप से ही रखता हूँ एकदम। क्योंकि अपने मान लो शाफ्टिंग दोबारा खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा पत्थर रह जाएगा जब खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अपने को पहले ही मतलब उस नट टाइट नहीं करने, एक बार अंदर पत्थर को। अभी ये अपने चक्की फिट कर ली और अभी पत्थर रनिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पत्थर की सेटिंग कितना गैप दे रहा है। अभी सबसे पहले अपने को ऐसा ही मतलब कुछ नहीं करना, ग्राइंडर अंडर कुछ लगाना, एक बार फिट करके और देख लेना, जिससे क्या है कि फिर इधर से प्रेस करके देख लेना कौन सा भाग अपना ज़्यादा लग रहा है, उसको बाहर निकाल के फिर अपने को ग्राइंडर से घिस लेंगे उसको। पहले अपन ग्राइंडर से घिस लेते हैं, जिससे क्या है अपने को मालूम नहीं चलता है कि कौन सा भाग लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, क्या पत्थर भी ऊँचा ज़्यादा घिसाता है नीचाता रहता है हिसाब से। वेट ना करे इसके लिए मैंने थोड़ा लकड़ा लगा दिया नीचे। अभी देख लो, मैंने पत्थर पे सबसे पहले जो भाग लग रहा है वो मैंने देख लिया, देखो टाइट करके देखा, जो जो अपना पेठा पट्टा जो बाहर की साइड का जो लग रहा है वो देख लिया, उस पट्टे को अपने को घिस देंगे पहले ग्राइंडर की सहायता से। जो जो मतलब अंदर देख लेंगे जो लग रहा है, और जो नहीं लग रहा है उसको नहीं घिसेंगे, जिससे कि फटाफट लेवल आ जाएगा अपना। मान लो आधा पट्टा लग रहा है तो आधा ही घिसे हमने, पूरा जो पट्टा लग रहा है वही घिसे अपने हिसाब से। सबसे पहले अभी घिस खींचने के बाद अपने को पहले ब्लैक वाली रेती डालनी है, थोड़ी मोटी हो, जो मान लो जो पत्थर ऊँचा ऊँचा उतना छोटे हो, जिसके बाद जो वाइट रेती आती है बारीक वाली, वो दोनों रेती पीसता हूँ मैं। अभी मैं आपको रेती डाल के दिखा रहा हूँ। ब्लैक वाली रेती में थोड़ी छाननी हुई है, पर थोड़े मकई से छोटे छोटे दाने हैं, इससे क्या है कि सही रहती है। और सेफ्टी के लिए अपने पहले थैली को कट्टा ऐसा प्लास्टिक का बांध देने का है अपने को, जिससे क्या है कि धूल ज़्यादा उड़े नहीं। और जो बड़ी चक्की में उधर तो मैंने डस्टबिनर रखा हुआ है, जिससे क्या है कि जब धूल उड़ती है, जब रेती पीसता हूँ उसमें डस्टबिनर लगा है। बाकी बड़ी चक्की पर जब भी पीसता हूँ उसमें डस्टबिनर फिट करता हूँ, जिससे क्या आटा हो धूल उड़ के बाहर बिन जाती है और किसी और को भी अपने हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होती है। ये रखेंगे अब तो ऐसा सेफ्टी रहेगा। और आप मतलब मास्क आज सब बांध लें, जैसे कि अपने नाक में धूल उल नहीं जाए। अभी धीरे धीरे उधर से अपन प्रेस करेंगे। और इसके आजकल बारिश भी आ गई थी, क्या रेती भी फॉर्म से लेके आया था अपने, वो खंभा बनाते हैं वहीं पर RCC पहुँच, वहीं पर पानी गिर गया, पूरी रेती गीली हो गई थी, तो गिर भी नहीं रही है।
सीट बराबर बैठ गई है, पटाई बराबर बाइक की बाहर की साइड का लेवल बराबर हो गया, दोनों पत्थर में एकदम कंप्लीट हो गया। और मैंने इसको हल्का हल्का टंकाई भी कर दिया है। अभी इसमें क्या है कि अभी तो चार चार नाली बना रखी है, और अभी जो नेक्स्ट टाइम होगा उसके अंदर भी मैं डबल नाली बना दूंगा अपना, जो उसमें बारह बारह बना रहे हैं तो इसमें चार है चार का, अपने इसके अंदर भी डबल कर देंगे। और ट्राई करते हैं देखा कितना ऐसा आटा की क्वालिटी कैसी रहती है। पहले मैंने इसके अंदर चार ही बना रखी थी, पर अपने अभी कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। क्या है, हर टाइम में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर भी अभी आठ बनाएंगे। अभी देखो गेहूँ रनिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, और गेहूँ की क्वांटिटी समझ लो एक घंटे में 50 किलो ऐसी निकाल देती है। और अभी मैं आपको आटे की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। ये देख लो आटा भी एकदम बारीक आ रहा है, ऐसा नहीं कि फिर मोटा आ रहा हो, और कृष्णा भाई ने ऐसे ही बता दिया हो तो आपके सामने ही है। और अभी इसके अंदर अपने कस्टमर मकई लेके आया है, मकई और यहाँ मजूर आते हैं वो गेहूँ और मकई दोनों मिक्स खाते हैं, देसी मकई होती है वो भी मैं रनिंग करके दिखा रहा हूँ। खाली इसके अंदर मकई पीसते अपने, देसी मकई तो एक घंटे में 40 किलो जैसे निकलती है, और ये मिक्सर पिसा रहा है गेहूँ मकई दोनों, ये 45 किलो एक घंटे में निकल जाता है अपना। इसकी भी मैं आपको आटे की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये गेहूँ मकई दोनों मिक्सर है तो भी इसकी आटे क्वालिटी एकदम मेंटेनेंस और बड़े बड़े फिनिशिंग वाला है। ये देख लो ऐसा नहीं मोटा आ रहा है, और एम्पियर मीटर भी 5 से अंदर ही है, ज़्यादा ऊपर 5 से ऊपर भी नहीं जा रहा है अपना। और वीडियो में आपको कुछ बाकी रह गया और कुछ मालूम नहीं चला हो तो 14 और 12 की चक्की का कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका भाई आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। कृष्णा द बेस्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।